हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रैक रिक्वेस्ट, और ये मेरे पास ट्रैक रिक्वेस्ट दी हुई है। सी स्कैन एल्गोरिदम, दैट इज सर्कुलर स्कैन, रीड राइट हेड की जो करंट लोकेशन है 50, ट्रैक्स जो है वो 0 से 199 तक है। तो आप इस तरीके से 0 टू 199 जो है वो ट्रैक्स आप इस तरीके से बना लो। करंट लोकेशन जो है वो क्या है, 50। रीड राइट हेड एट प्रेजेंट 50 पे है। मूविंग टुवर्ड्स द स्मॉलर ट्रैक, तो हेड जो है वो रीड राइट हेड इज मूविंग टुवर्ड द स्मॉलर ट्रैक नंबर। मतलब हमें यहाँ पे कोई ना कोई डायरेक्शन जो है या तो डायरेक्ट दी होती है या फिर इनडायरेक्टली तरीके से, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे दिया है कि स्मॉलर का मतलब क्या है कि 50 से इस तरफ जो है वो ट्रैक मूव कर रहा है, जो रीड राइट हेड है वो मूव कर रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टोटल सीक टाइम नीडेड, टोटल सीक टाइम निकालना है 2 मिलीसेकंड टाइम टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। मतलब एक मूवमेंट के लिए 2 मिलीसेकंड लगते हैं, तो टोटल मूवमेंट हमें यहाँ पे निकालनी है और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 50 से। तो 50 से बिलो वाले जितने भी हैं वो इस स्कैन, स्कैन का मतलब क्या है कि 50 से इस तरफ जाते आते 0 तक वो जाएगा और जितनी भी रिक्वेस्ट रास्ते में पड़ रही है उन सबको स्कैन करके, मतलब उन सबको वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। और उन सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए 50 से हम गए, तो 50 से कम है आपकी 34, तो 34 वाली इस तरीके से जो है वो फुलफिल हो जाएगी। 34 के बाद है हमारा 11, तो 11 जो है वो यहां पे आ जाएगा इस तरीके से, और 11 के बाद वो मूव करेगा कहां, इस तरफ नहीं, वो पूरा 0 तक जो है वो कंप्लीट जाएगा पूरा। अगर इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हो तो पूरा 199 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो यानी 0 तक वो गया, अब 0 से जाने के बाद मतलब क्या है इसका, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब है 0 से 199 क्या है, इस तरीके से कनेक्टेड, क्योंकि ट्रैक्स जो है वो क्या होता है, डिस्क के ऊपर होते हैं, और वो ट्रैक्स जो है वो 0 से 199 के बाद, मतलब आपको यहां से स्टार्ट करना है, 199 से स्टार्ट करना है। तो 199 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 199 से आपको सबसे पहले 180 को आप कंप्लीट कर लो, इस तरीके से आपका 180 जो है वो फुलफिल हो जाएगा। मतलब 180 से हम रीड कर लेंगे, 180 के बाद हमारे पास आता है 123, इस तरीके से आप कंप्लीट कर लो। 123 के बाद आ गया 119, तो 119 हो गया। उसके बाद आ गया आपका 95, तो इस तरीके से आप 95 जो है वो रीड कर लोगे। तो 95 के बाद आपका 64, 62, तो अप टू आपके पास आएगा 62। इस तरीके से जो है वो आपकी मूवमेंट होती रहेगी। तो अब बस आप मूवमेंट काउंट कर लो। तो पहले आप 50 से 0 तक गए तो कितनी मूवमेंट हुई, 50 माइनस 0 प्लस, फिर आप 199 से 62 तक गए तो 199 माइनस 62, तो कितनी मूवमेंट हो गई यहां पे, 50 प्लस दिस इज 137, 199 माइनस 62 इज 137। लेकिन यहां पे आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, यहां पे आपको दिया हुआ है कि हर एक ट्रैक की मूवमेंट जो है वो 2 मिलीसेकंड ले रही है, तो 50 इंटू 2 प्लस 137 इंटू 2, क्योंकि हर एक मूवमेंट, मतलब अगर ट्रैक नंबर 1 से 2 पे जा रहे हो या 2 से 3 पे जा रहे हो तो हर एक मूवमेंट में 2 मिलीसेकंड लग रहे हैं। तो 50 के लिए 50 इंटू 2 137 इंटू 2 प्लस, यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या दी हुई है, दिस वन, एज्यूम मूविंग वन एंड टू अनदर एंड विल टेक 10 मिलीसेकंड। आपने किया क्या, 0 से आप कहां गए, 199 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से जब आप 199 तक गए उसका जो टाइम दिया हुआ है वो है 10 मिलीसेकंड, तो उसको आप डायरेक्टली जो है वो इसमें ऐड कर लोगे। तो जब आप ऐड करोगे ये आंसर आपका आएगा 384, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 384, मतलब आंसर सी। यहां पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर जितने भी एल्गोरिदम है, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, चाहे शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, लुक है, सी लुक स्कैन, सी स्कैन, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें विद एग्जांपल जो एक्सप्लेन किया हुआ है सारे क्वेश्चंस को। तो गाइज आप वो वीडियो जरूर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हालांकि ये थोड़ा सा मेरे को नया क्वेश्चन लगा तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोज के अंदर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उठा
सकते हैं. तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, सी दैट इज 384. देन क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर 3 सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस. सीपीयू इंटेंसिव का मतलब है जनरली हमारे पास प्रोसेसेस क्या होते हैं, सीपीयू इंटेंसिव या सीपीयू प्लस आईओ बोथ, मतलब कुछ प्रोसेसेस पहले सीपीयू करते हैं फिर आईओ करते हैं फिर सीपीयू. तो यहां पे सिर्फ सीपीयू से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं. तो P1 P2 P3 हम उनको नाम दे देते हैं. अराइवल टाइम यहां पे दिया हुआ है 0, 2, 6 रिस्पेक्टिवली एंड बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 10, 20, 30. और एल्गोरिथम यहां पे यूज किया है इन्होंने SRTF, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्शन. तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो विद प्रीएम्प्शन में यहां पे यूज करते हैं. हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, अच्छा इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के बारे में पूछा है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर आता है रिलेटेड टू कि आपको वेटिंग टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है या फिर रिस्पांस टाइम निकालना है. इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस जो है वो बनाए हुए हैं. हर एक एल्गोरिदम चाहे वो प्रायोरिटी बेस्ड है, चाहे वो राउंड रॉबिन है, चाहे वो SGF है, SRGF है, FCFS है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग है या मल्टी क्यू, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनको विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. और सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो गाइज अच्छे से इन क्वेश्चंस को जो है वो करके जाना, क्योंकि इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं. तो बार बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा जहां पे वो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की बात कर रहा है, कोई टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा. तो अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की हम बात करें, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता क्या है कि सीपीयू जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करता है तो उसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. तो यहां पे जीरो से अगर हम स्टार्ट करें तो जीरो पे कौन सा प्रोसेस रेडी है, P1 रेडी है, और कोई प्रोसेस ही नहीं है. तो ऑल्दो ये SRTF है दैट इज विद प्रीएम्प्शन, लेकिन अगर आप प्रीएम्प्ट करोगे भी, लेट्स से अगर आप 0 से 2 चला लो, तो 0 से 2 अगर आप चलाओगे तो ये 8 बचेगा. ये कितना बचेगा, 8, क्योंकि दो इसने कंप्लीट कर लिया यूनिट. तो उसके बाद भी शॉर्टेस्ट कौन सा रहेगा, बस टाइम किसका शॉर्टेस्ट रहेगा, P1 का ही रहेगा. तो रादर देन 0 से 2 आप चलाओ, इसको आप फुल ही चला दो 0 से 10. तो 0 से 10 अगर आप फुल चलाते हो तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट. उसके बाद आया P2, तो P2 यहां पे आया, तो P2 ऑलरेडी, ऑल्दो P2 और P3 दोनों आ चुके हैं 10 पे, P2 और P3 दोनों आ चुके हैं, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट वाला चलाना है, दैट इज 20, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट हो दैट इज 20. तो P2 को चलाया तो 30 तक पूरा कंप्लीट कर दो 0, फिर उसके बाद P3 आया, 60 पे P3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट. ऑल्दो इसमें SRTF का कोई बेनिफिट यहां पे नहीं है, ये नॉर्मल SGF की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए भी हुए अपनी वीडियो में, तो आप एक बार वो जरूर चेक कर लें. तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इन्होंने बोला हुआ है कि डू नॉट काउंट एट द जीरो एंड एट द एंड, मतलब अगर आप इसको और इसको काउंट मत करो, मतलब आपने जीरो पे पहले सीपीयू को प्रोसेस दिया तो तब भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मतलब कि सीपीयू का जो स्टेटस है वो स्टेटस यहां पे चेंज हुआ, पहले कोई भी प्रोसेस रन नहीं कर रहा था, अब एक प्रोसेस रन कर रहा है, लेकिन आपको वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं काउंट करना. और अगर लास्ट की बात करें कि पहले P3 रन कर रहा था, अब सीपीयू आइडल है बिकॉज सीपीयू के पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो अब भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया, लेकिन आपको उसको भी काउंट नहीं करना. तो बीच में कितने आए, 1, 2, पहला ये है जिसमें P1 कंप्लीट हुआ, P2 पे सीपीयू स्टार्ट करने लग गया काम करना, मतलब P2 रन करने लग गया, तो यहां पे एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, P1 कंप्लीटेड, P2 स्टार्टेड, एंड यहां पे एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, मतलब P2 जो है वो कंप्लीट हुआ, P3 स्टार्ट हुआ. तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कितने हैं आपके, 2. जनरली विद प्रीएम्प्शन वाले में ही ये कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राउंड रॉबिन में भी ये पॉसिबल है, या फिर जो भी विद प्रीएम्प्शन वाले क्वेश्चंस हैं. तो गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बता दूं कि ये रिलेटेड टू द सीपीयू शेड्यूलिंग, रिलेटेड टू द डिस्क शेड्यूलिंग, रिलेटेड टू द पेज रिप्लेसमेंट, उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, रिलेटेड टू द इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. मैंने ऑलरेडी सारी सीरीज बना रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो पूरी की पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर लें, ताकि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी आपका एक भी कॉन्सेप्ट वो रहना नहीं चाहिए. तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट how to solve the questions related to the disk scheduling and CPU scheduling. Thank you.